टाइम बहुत कम रह गया है। अब ऐसे में क्या करना है, क्विकली तुम्हें रिवाइज करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो रिलेटेड है नहीं एनसीईआरटी बेस्ड, वो तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू देख रहे हैं, रीजन और असम्प्शन ने हमेशा रुलाया है, इस बार हम मिलकर रीजन असम्प्शन को रुलाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाई यील्डिंग नोट्स जो तुम्हारे एग्जाम के लिए तुम्हें बहुत मदद करने वाले हैं। ये सारी चीजें कहां मिलने वाली है बेटा, मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर नुपुर पंत एम्स। तो ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं शुरुआत करने वाली हूं महारिविजन की सेल बायोलॉजी के साथ, जहां पे सेल और सेल साइकिल चैप्टर प्लस एमसीक्यूज प्लस गुड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू लुक एट इम्पोर्टेंट, जहां पर नीट यूजी के जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भाई, उनके कुछ पर्टिकुलर्स को वापस उनमें करेक्शन करने के लिए ये जो नोटिस है ये आया है। आई एम श्योर दो चीजें दी गई हैं कि भाई ये जो नीट यूजी एग्जाम 5 मई को होने वाला है, किसी भी तरह के पर्टिकुलर्स जो किसमें मौजूद हैं, दो तरह से इन्होंने देखो अपनी बात रखी है कि सबसे पहले करेक्शन उन पर्टिकुलर्स के अंदर 11 और 12 अप्रैल, यानी अभी तो ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 1 से 1.5 घंटा रह गया है, फटाफट चेंजेस को कंप्लीट कर लो। एनेक्शर 1 के हिसाब से, एनेक्शर 1 यहां दिया हुआ है जहां पर सिर्फ कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल जिसे रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने यूज किया है, इन दोनों में करेक्शन नहीं कर सकते। बाकी जो भी फील्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोडेड उनमें चेंजेस आप कर सकते हैं, ये सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। साथ ही साथ 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख भाई कुछ आधार के ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कोई भी करेक्शंस हैं, इसके लिए टाइम दिया गया है। सो मेक श्योर आप इन सभी करेक्शंस को फॉलोड बैक कर ले। प्लीज एक चीज पर जरूर ध्यान रखना कि ये सिर्फ वन टाइम फैसिलिटी, आपको पता है अभी नीट रजिस्ट्रेशन के लिए विंडो ओपन हुई थी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये जो करेक्शन होने जा रहे हैं बेटा, ऑलरेडी लास्ट डेट क्या है, 15 तारीख तक आधार के लिए है और 12th अप्रैल एनेक्शर 1 के सारे इश्यूज के लिए है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, चैनल के साथ बने रहो और